उत्तर प्रदेश कासगंज की समाजवादी पार्टी की मासिक बैठक पार्टी कैंप कार्यालय बलराम गेट कासगंज पर जिलाध्यक्ष व पूर्व सांसद कुंवर देवेंद्र सिंह यादव के निर्देशन में और मीटिंग की अध्यक्षता कर रहे रघुनाथ सिंह ने अध्यक्षता की और बैठक में विधान परिषद चुनाव पर समीक्षा की गई। आने वाले विधानसभा 2022 के चुनाव को लेकर रणनीति तैयार की गई। उत्तर प्रदेश में हुए शिक्षित व स्नातक चुनाव पर वरिष्ठ पूर्व विधायक और अन्य नेताओं ने कहा, हमारी पार्टी ने भाजपा का एमएलसी चुनाव में डटकर मुकाबला किया और जीत और हार लगी रहती है, जबकि एमएलसी चुनाव में अन्य पार्टियों ने अपने कैंडिडेट्स को चुनाव नहीं लड़ाया, लेकिन समाजवादी पार्टी ने भाजपा का डटकर मुकाबला किया और रणजीत राजपूत के साथ सैकड़ों की संख्या में भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से तंग आकर समाजवादी पार्टी में शामिल हुए। इस मौके पर पूर्व विधायक नेत्रपाल राघव, ब्लॉक प्रमुख विजेंद्र सिंह और हरिओम शर्मा, देवेन लोधी, ओमशिव मिश्रा, लक्ष्मण सिंह यादव मौजूद रहे। संवाददाता विपिन कुमार की रिपोर्ट। गुरुमुख जी, आज ये लोगों ने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? आज हमारे रंजीत सिंह लोधी जी के नेतृत्व में सैकड़ों लोगों ने आज समाजवादी पार्टी ज्वाइन की है, बीजेपी छोड़ के समाजवादी पार्टी ज्वाइन की है। अच्छा, इससे पहले ये लोग मतलब समाज भाजपा भारतीय जनता पार्टी में थे। कितनी तादाद होगी इन लोगों के? सैकड़ों लोग हैं, कम से कम 150-200 लोग हैं और भिन्न भिन्न ग्राम पंचायतों से हैं, भिन्न भिन्न क्षेत्रों से हैं। इन्होंने आज समाजवादी पार्टी में आस्था जताते हुए, माननीय अखिलेश यादव जी में आस्था जताते हुए बीजेपी छोड़ के जो है समाजवादी पार्टी, हमारे देवेंद्र सिंह यादव जी के नमस्कार, मैं हूं अंशु शर्मा और हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। ऐसे ही बाकी वीडियो देखने के लिए देखते रहिए द इंडियन समाचार, और वीडियोस पसंद आने पर हमारे चैनल द इंडियन समाचार को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।